हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, बैंक निफ्टी कहाँ तक गिरने के चांसेस है और यहाँ से ऑप्शंस के लिए कौन सा ट्रेड बनता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल के ऊपर भी फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको बताना चाहूंगी इस चैनल के ऊपर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर एवरी डे एनालिसिस वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ साथ ऑप्शंस में नेक्स्ट डे के लिए, इंट्राडे के लिए, लॉन्ग के लिए क्या क्या पोजीशंस बनती है, कौन कौन से ट्रेड्स बनते हैं, मोमेंटम क्या रहेगा, इन सब के ऊपर आपको रेगुलरली जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पर वीडियोस और जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, फ्री टेलीग्राम चैनल की, उस लिंक के थ्रू आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। लाइव मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आपको वहां पर मिलते हैं, तो इसलिए टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन होना ज़रूरी है। सारी जानकारी आपको लाइव मार्केट में तुरंत टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है, तो टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लेना। सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था मंडे के एनालिसिस के लिए, मैंने आपको क्या कहा था, एक तो देखिए ये तो बात है कि हाँ, इसराइल का जो भी वॉर सिचुएशन अभी चल रहा है उसके ऊपर हमारा मार्केट रिएक्शन दे रहा है, लेकिन जो एनालिसिस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर देखें तो एक ही चीजों पे मार्केट डिपेंड नहीं होता है। ये जो गिरावट हुई है इसमें इसराइल का भी हाथ है, एनालिसिस भी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी है, जो ऑप्शन राइटर्स है वो भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले सेशन में, पिछले जो वीडियो था, मैंने उसमें कहा था क्लियरली कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये मुझे अपसाइड के लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए कैंडल्स की साइज भी देख सकते हैं आप, और जो मोमेंटम चाहिए अपसाइड के लिए वो ये मोमेंटम था ही नहीं। तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से हमें डाउन साइड के लिए आता हुआ दिखाई दे, और ये जो बॉटम बना है ये अभी हम लोग नहीं कह सकते कि ये बॉटम बन चुका है और यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। तो वही सिचुएशन आज हुआ, एक तो इसराइल का जो वॉर सिचुएशन है उसके ऊपर भी मार्केट ने रिएक्शन दिया और 44,000 से नीचे ही ओपनिंग की और थ्रू आउट द सेशन हमें इससे नीचे ही रहता हुआ दिखाई दिया। अभी अगर मैं देखूं तो कहां पर बॉटम बन सकता है, तो देखिए ये जो जोन है यहां पर एक चांसेस है बैंक निफ्टी के बॉटम बनाने के, तो यहां से हमें बैंक निफ्टी कुछ ही सेशंस में यहां तक इस येलो जोन में आता हुआ दिखाई देगा, जो कि पिछले टाइम नहीं आया था। आप देख सकते हैं यहां से बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ गया, हाई किया और अभी यहां से फिर से डाउन साइड के लिए आता हुआ दिख रहा है। अगर फिर से इस लेवल के पास आकर बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए भागता है तो फिर से नए लेवल्स अचीव होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 43,350 ब्रेक होता है, जो पिछला लो था ये ब्रेक होता है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी डेफिनेटली आप लिख कर ले लो 43,000 से नीचे जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। जो भी लोगों ने सी कैरी किए हुए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सी अभी कैरी मत करो, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क बनी हुई है डाउन साइड के लिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर, तो देखिए 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है दो लेवल के ऊपर, एक तो 44,000, एक तो 44,500। 1 लाख का यहाँ पर हमें राइटिंग भी दिख रहा है 44,000 के ऊपर, तो अभी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी बैंक के लिए वो 44,000 का लेवल बन चुका है। ये लेवल पार होने के बाद ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर 44,000 से नीचे ही रहता है, तो जैसे मैंने आपको कहा है 43,000 का हमारा टारगेट फिक्स है और इससे भी नीचे बैंक निफ्टी जाने के चांसेस बने हुए हैं। सपोर्ट कहाँ पर है, तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट मौजूद है वो 1,23,000, 1,22,000, 1,35,000 का जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है,
जो कि तीन लेवल्स 43,000, 43,500 एंड 43,800, ये तीन लेवल्स के ऊपर है। सबसे ज्यादा अभी अगर देखें तो पुट राइटिंग जो है वो 34,000 की है, जो कि बनी हुई है 800 के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, या फिर कह सकते हैं जो अगर टूटेगा तो बैंक निफ्टी और ज्यादा फिसलेगा और पी के अंदर फिर और ज्यादा जैकपॉट होगा, वो लेवल है 43,800 का। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से नीचे ही रहा तो यहाँ से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग बैंक निफ्टी के लिए 510 और यहाँ तक कि 43,400 तक के लेवल्स डेफिनेटली डाउनसाइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को होल्ड किया, 43,800 से नीचे नहीं गया, आज भी अगर आपने देखा होगा 43,800 से एक तेज हमें अपसाइड की रैली देखने को मिली, 200 से 250 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी चढ़ा था 43,800 से। तो कल भी अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ता है और ऊपर की तरफ भागता है तो 44,000 होल्ड होने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सपोर्ट अगर बार बार टेस्ट होगा तो वो टूटने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो यहाँ पर जब बैंक निफ्टी आएगा तो अगर आपने पी साइड की पोजीशंस बना ली होंगी और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से एग्जिट कर लो। 43,800 से कुछ भी होगा या तो अपसाइड के लिए जाएगा या तो डाउनसाइड के लिए जाएगा। तो आपको वेट करना है 43,800 के ऊपर बैंक निफ्टी के रिएक्शन देने का, कि या तो डाउनसाइड के लिए शिफ्ट हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, या तो अपसाइड के लिए सस्टेन हो रहा है, तो ही हम लोग फिर सी और पी के अंदर जाएंगे। ये नहीं कि 43,800 से एक रिस्क की ट्रेड ले लिया तो यहां से हम लोग सी का बाय कर लेते हैं और फिर हमें कल के जैसा मोमेंटम मिलेगा तो आप फंस जाओगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो कल के लिए बने हुए हैं 43,810। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को कल भी होल्ड रखता है, यहां से तुरंत एक बाउंस लेता है और टुवर्ड्स 930 जाता है, अगर 930 के पास गया तो डेफिनेटली 44,000 के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर 810 के पास आकर 850, 860 और 900 के नीचे के रेंज में ही रहता है तो भी आप यहाँ पर सावधान हो जाइएगा, सी साइड में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर 930 के ऊपर गया तो ही सी साइड में एंटर होना सही रहेगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप जा सकते हो 800 के पास, एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो सी साइड के लिए, अदरवाइज मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 43,810 से नीचे टिका रहता है 10 मिनट के लिए तो यहां से फॉल होगा टुवर्ड्स 43,550। ये टारगेट बैंक निफ्टी के लिए है और सपोर्ट भी है, और फिर यहां से अगर बैंक निफ्टी बाउंस लेता है थोड़ा बहुत तो फिर से 43,750 और 800 के रेंज में आएगा। लेकिन अगर 43,810 से नीचे गया तो बैंक निफ्टी और ज्यादा निगेटिव होगा और आगे आने वाले एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक हमें डाउन साइड के लिए 43,000 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो ये लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको आपका डाउट भी सॉल्व करके मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके अगर आपको कुछ ज्वाइन करना है प्रीमियम मेंबरशिप तो उसके रिगार्डिंग भी आपको वहां पर सारे जानकारी मिल जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी के लिए भी मैंने सेम कहा था आपको कि देखिए अगर निफ्टी आता है यहाँ पर तो 19,700-800 रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक फॉल दिखा सकता है 19,500 के तरफ। वही सेम सिनारियो हमें दिख रहा है, एक तो इसराइल का वो जो वॉर सिचुएशन है उसके ऊपर भी, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था वो मैंने कल भी आपको कहा था कि ये देखिए सीधा नहीं जा सकता है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर एक फॉल तो देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। भले निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव चल रहा था लेकिन अभी एक फॉल हुआ है 19,500 के पास, लेकिन आज की क्लोजिंग जो है वो 500 से ऊपर मिली है। तो अगर कल निफ्टी 500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर से एक बाउंस होगा टुवर्ड 600-650 का लेवल, अदरवाइज फॉल बैक होगा 19,400 और 300 के तरफ अगर निफ्टी 19,500 होल्ड नहीं करता है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखें
तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,54,000 का है, जो कि 19,800 के ऊपर है। 75,000 की कॉल राइटिंग हुई है 19,800 के ऊपर। 69,000 की कॉल राइटिंग 600 के ऊपर हुई है। तो देखिए, निफ्टी अभी देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन में पहुंच चुका है। 500 600, मैंने आपको पिछले बारी कहा था कि 500 600 अगर निफ्टी होल्ड रखता है तो अपसाइड के लिए मोमेंटम कायम रहेगा, लेकिन अगर ये टूटता है तो निफ्टी हमें डाउनसाइड के लिए कहाँ तक गिरता हुआ दिखाई देगा, 19,000 के तरफ। तो निफ्टी के लिए अगर 19,500 निफ्टी कल होल्ड नहीं करता है तो आने वाले एक्सपायरी तक निफ्टी हमें 19,000 तक का फॉल दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो देखिए 1,51,000 का ओपन इंटरेस्ट 19,500 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन पुट राइटिंग की बात करें तो 9,000 की पुट राइटिंग है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो पुट साइड में एग्जिट दिख रहा है 25,000 का, जो कि 19,000 के लेवल के ऊपर है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 19,500 के बाद जहां पर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 19,000 का लेवल ही है। तो डाउन साइड के चांसेस निफ्टी के भी ज्यादातर बने हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन 19,500 480 से नीचे अगर निफ्टी सस्टेन रहा तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए 19,480 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर निफ्टी इस लेवल से नीचे फिसल जाता है तो 19,410 एंड 19,350 तक फॉल होगा, लेकिन अगर निफ्टी 19,510 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अपसाइड के लिए फिर से ट्राई करेगा निफ्टी 550 और 600 के तरफ जाने के लिए। और अगर निफ्टी कल के सेशन में 500 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड रखता है तो शायद निफ्टी जो है वो आगे आने वाले सेशंस में, दो सेशंस में, एक कमबैक कर सकता है टुवर्ड्स 19,800 एंड 900 का लेवल। तो 19,800 हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, और अगर 19,800 निफ्टी पहुंचता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट हमारा 20,000 का लेवल ही रहेगा निफ्टी 50 के लिए। तो निफ्टी के लिए जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं आप अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो फिन निफ्टी की बात करें तो देखिए फिन निफ्टी का चार्ट है मेरे सामने, कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का भी चार्ट आप देख सकते हैं, सीधा ऊपर जाने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रेंज बाउंड सेशन हुआ है पिछले 7 सेशंस के बाद जाकर ये एक छोटा सा मोमेंटम मिला है, लेकिन ये मोमेंटम मुझे उतना अपसाइड के लिए निफ्टी फिन के लिए नहीं दिख रहा है। निफ्टी फिन का जो कल का टारगेट है वो 19,420 का लेवल रहेगा। निफ्टी फिन जो है वो कल हमें ये लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर निफ्टी फिन 19,630 के ऊपर सस्टेन होता है, इससे नीचे नहीं रहता है 10 मिनट से ज्यादा, तो ये फिन निफ्टी कमबैक कर सकता है अपसाइड के लिए। फिर फिन निफ्टी हमें 700 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर 630 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो डेफिनेटली आप लिख कर ले लो 19,400 तक निफ्टी फिन कल के सेशन में गिरने के चांसेस बने हुए हैं। तो निफ्टी फिन के लिए क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है, जो भी लेवल्स है यहाँ पर आप पीई के अंदर तीनों इंडेक्स के अच्छा खासा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। जो भी रिस्की ट्रेडर्स है वो जो सपोर्ट के पास बाइंग कर रहे हैं वो सोच समझ कर कीजिएगा, यही मेरी सलाह रहेगी। बाकी की सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अभी के लिए आज के लिए इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।